हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज हम लोग करने वाले एमबी पब्लिकेशन बुक को, और एमबी पब्लिकेशन बुक में भी साल 2018 के एसएससी सीजीएल में पूछे गए सारे सवालों को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपके बुक के सेट नंबर 16 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। साथियों चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 16। तो शुरुआत में आपका एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आगे जो भी दिया है सैनोनिम्स एंटोनिम्स सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुरुआत में दिया आपका एक क्लोज टेस्ट, तो सबसे पहले समझेंगे साथियों कि ये क्लोज टेस्ट है क्या कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लोज टेस्ट दिया हुआ है ये एक सियोल शहर के बारे में दिया है। ठीक है, वहां के सरकार के बारे में दिया गया, वहां के साइन के बारे में दिया गया। तो सबसे पहले एक बार ये जो आपका क्लोज टेस्ट दिया हुआ है इसको कंप्लीटली एक बार पढ़ते हैं हम लोग, क्लियर। तो देखिए, दिया हुआ है कि सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर खालिस्तान हुआ स्पॉट द मोस्ट इरर्स। इट्स रनिंग खालिस्तान 2 week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर इन इंग्लिश जैपनीज एंड चाइनीज टेक्स्ट। द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट्स देयर इज अ फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस मैप एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट्स एज पार्ट ऑफ ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द साउथ कोरियन कैपिटल। अब देखिए, जब आप एक बार पढ़ेंगे साथियों तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये जो आपका क्लोज टेस्ट दिया हुआ है ये किस बारे में, ठीक है, इसका मेन टॉपिक क्या है, क्या कहना चाहता है। अब दूसरा बार जब रिपीट करेंगे आप, तो जहां जहां आपका ब्लैंक स्थान है, ठीक है, खाली स्थान है, वहां पर आप रुकेंगे और चारों ऑप्शन में से आप सेटिस्फाई करेंगे कि क्या आपका जो चारों में से कौन सा सुटेबल आंसर है, क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो आप देखिए, लिखा हुआ कि सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर खालिस्तान। अब देखिए, इसके तुरंत बाद दिया साथियों हु, क्लियर, और हु के बाद क्या आपका स्पॉट। अब बताइए स्पॉट क्या होता है, स्पॉट आपका V1 होता है। स्पॉट क्या होता है साथियों, V1 होता है, ठीक है, स्पॉट आपका V1 है। हु के तुरंत बाद V1 है। अब आपको ये बात पता है कि हु के बाद जो भी वर्ब होता है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है कि उसके पहले वाला जो भी चीज रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसके पहले जो भी होगा, ठीक है, इसके पहले जो भी होगा वो प्लूरल ही होगा, क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपका दिस, ये तो नहीं होगा, डैट ये भी नहीं होगा, दिस तो होने सरा ये भी नहीं होगा, तो आपका एकमात्र बचा है दोज, ठीक है साथियों, तो आपका यही हो जाएगा सही आंसर, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, दोज यहाँ पर सुटेबल होगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि इट्स रनिंग खालिस्तान 2 week कैंपेन। फिर से देखिए, आपके फिर से चार ऑप्शन थे, ठीक है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन था 1, 2, and A, एक एक करके पुट करते हैं। तो देखिए, इट्स रनिंग 1-2 week कैंपेन, तो ये तो गलत हो जाएगा, 1-2 तो इसका मतलब ही कुछ और आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी था द, तो यहाँ जब द पुट करेंगे आप तो इट्स रनिंग द 2 week कैंपेन, ये भी गलत होगा, क्लियर। यहाँ पर जब आप एन रखेंगे तो एन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है ही, क्योंकि यहाँ कोई वोवेल है नहीं, तो एन यहाँ नहीं होगा। आपका जो सबसे सुटेबल वर्ड है साथियों, सुटेबल ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है ए, ठीक है। देखिए, इसका मतलब यही था कि एक 2 week कैंपेन हो रहा है, ठीक है, आपका जो 2 सप्ताह का जो कैंपेन है वो एक ही बार हो रहा है, ठीक है, बार बार नहीं हो रहा है, उसके बाद आगे नहीं होने वाला, तो ये ए का सेंस यही था यहाँ पर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, 2 का, क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे कह रहा है इट्स रनिंग अ 2 week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स खालिस्तान टू कीप देयर आईज पील्ड फॉर। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले यहां के बारे में देखते हैं, यहां पर क्या हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है सेम, ऑप्शन नंबर बी है सिमिलरली, ऑप्शन नंबर सी है अलाइक, और ऑप्शन नंबर डी है लाइकली, चार ऑप्शन दिए गए। अब देखिए, एक बात मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई दो के बारे में बात हो, ठीक है, कोरियंस एंड फॉरेनर्स दो के बारे में बात हो और दोनों के बारे में बोथ का सेंस है, ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहां दो के बारे में बात हो रही है और दोनों सेम, ठीक है, दोनों सिमिलर है, तो यहां देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज कर देते हैं सिमिलर, ठीक है, लेकिन यहां जो सुटेबल वर्ड होगा साथियों वो ना तो सिमिलरली होगा, ना ही लाइकली होगा, ना ही सेम होगा। आपका एकमात्र ऑप्शन है अलाइक। अलाइक मतलब होता है क्या, सबसे पहले ये समझिए, इसका मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसा अलाइक। तो जब भी कभी बोथ का सेंस हो, ठीक है, जब भी कभी एक का सेंस हो, ठीक है, दो चीजों में बोथ का अर्थ हो, तो वहां पर अलाइक का यूज करेंगे, और अलाइक किस रूप में यूज करेंगे, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, क्लियर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे आप हमेशा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए आगे पढ़िए,
आगे कह रहा है कि टू कीप देयर आइज पिल्ड फॉर, अब देखिए फिर से एक आइडिया आया, इसको भी ध्यान में रखना है आपको, बीच में जो जो चीज आते रहेगी मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए कीप देयर आइज, टू कीप देयर आइज पिल्ड, देखिए इसका मतलब होता है चौकन्ना रहना, चौकस रहना, ठीक है। ये जो आइडिया है इसका मतलब क्या होता है, चौकन्ना रहना, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पिल्ड फॉर खालिस्तान इन इंग्लिश जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन नंबर 4 है, सबसे पहला है गुफाज, सेकंड है ब्लंडर्स, थर्ड है ओवरसाइट और चौथा है मिस्टेक्स। अब देखिए यहां पर गलती के बारे में बात हो रही है, यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर गलती से चौकस रहने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यहां गलतियों के बारे में बात हो रही है और ये प्लूरल। अब देखिए गलती का यहां पर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन है, सबसे पहला है ब्लंडर और दूसरा है मिस्टेक। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना, सबसे पहले आप सोचेंगे दोनों में से कौन सही होगा, तो यहां पर जो भी चीज हम भरेंगे वो आपका प्लूरल होना चाहिए, क्लियर। तो यहां देखिए ये सिर्फ ब्लंडर लिखा हुआ है और ये आपका यहां मिस्टेक्स लिखा हुआ है, आपका प्लूरल कौन है दोनों में से, आपका प्लूरल ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर बी में ब्लंडर्स होता, ठीक है, अंत में यस लगा होता तो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता था, लेकिन यहां पर सिंगुलर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ब्लंडर यूज गलत होगा, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है कि देयर इज अ खालिस्तान फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस। तो देखिए यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन पर फोकस किया जा रहा है, तो कोई खास होगा, ठीक है, हर एक तो होगा नहीं, तो कोई खास खास जहां पर गलतियां थी तो उस पर फोकस की जाएगी, तो यहां पर खास के बारे में बात होगा, ठीक है। तो यहां आपका इंपॉर्टेंट गलत होगा, मेटिकुलस गलत होगा, साइग्निफाइंग गलत होगा, आपका जो एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पर्टिकुलर, ये आपका सही है, क्योंकि जहां जिस साइन बोर्ड में गलतियां होगी वहीं तो आपका करेक्ट किया जाएगा, सुधारा जाएगा, क्लियर। हर एक साइन बोर्ड में तो सुधारा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस तरीके से हमने पूरा क्लोज टेस्ट को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ड है साथियों, और आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स मतलब होता है कि दोनों का अर्थ समान हो, ऐसा वर्ड कि उसका अर्थ और इसका अर्थ क्या हो, समान हो। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है कोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है साथियों, इसका मतलब होता है कि किसी पर कोई काम के लिए दबाव डालना, ठीक है। ये वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी पर कोई भी बात के लिए, कोई भी काम के लिए दबाव डालना, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं, आपका है ऑप्शन नंबर ए इंचेंट, ठीक है। तो इंचेंट का मतलब होता है सम्मोहित करना, इंचेंट मतलब क्या होता है, सम्मोहित करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है आपका फुसलाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना, तो ये तीनों तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी प्रेशराइज, इसका भी मतलब वही होता है साथियों जो आपका आपका जो गिवेन वर्ड था इसका मतलब था, क्लियर। तो यहां से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला वर्ड देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको बतलाना है कि किस वाले पार्ट में इरर है, ठीक है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं कि वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। ये देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ था, अब देखते हैं कि किस वाले पार्ट में इरर है साथियों, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, दो तरीका यहां से, सबसे पहला तो आप सेंटेंस पढ़ के इरर बताएं या फिर ऑप्शन को इलिमिनेट करके। देखिए सबसे पहले जब आप देखेंगे कि वी हैड टू डिक्लाइन, तो इसमें कोई गलतियां नहीं है, वी हैड तो कोई गलतियां नहीं है। उसके बाद देखिए वी हैड टू डिक्लाइन द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप, यहां ये भी सही है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, ये भी सही है। और तो अगर ये तीनों सही है, देखिए पहला तरीका मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपसे आपके एग्जाम में आपका कोई तरीका तो नहीं पूछता कि इसी तरीके से बनाए आप, क्लियर। तो आपका जो इनकेस डेट बचा ये आप इसके बारे में आप कंफर्म नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन तीन के बारे में तो कंफर्म है ना कि तीन सही है। तो अगर तीन सही है तो आपका जो बचा चौथा वही आपका गलत होगा, ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये साथियों कि इसको आप फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस डेट। दूसरा तरीका ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहां जो इनकेस डेट लिखा हुआ है ये आपको पढ़ने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि इनकेस डेट यहां पर होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल गलत है इनकेस डेट। इसके जगह पर हम लोग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बिकाउज अगर यहाँ रहता तो सही होता, सिंस रहता, फोर रहता, एज रहता, ये सब रहता तो वाक्य का कुछ अर्थ निकलता, ठीक है। अब सेंटेंस का आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि सेंटेंस उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, अगर इनकेस डेट यहाँ रहता तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, क्लियर, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसलिए इनकेस डेट ये जो है ये आपका इरर हो गया, ये आपका गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिज कंपनी हैज द खालिस्तान ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री।
यह है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए कंपनी के बारे में बात हो रही है और आपको बताना है कि यहां पर कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। अब देखिए कंपनी जो है वो पूरे कंट्री में सबसे बेस्ट क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ओपिनियन रखेंगे यहां पर, तो ओपिनियन तो होगा नहीं और पोजीशन होगा नहीं, दो तो यहीं से इलिमिनेट हो गए, क्लियर। बचते हैं दो, रिपुटेशन और ब्रांड। अब देखिए बहुत लोगों को लग सकता है, बहुत लोग इरर यहां करते हैं कि अच्छा क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करने की बात हो रही है तो ब्रांड हो सकता है, लेकिन ब्रांड आप यहां रखकर देखिए तो आपको पता चलेगा ब्रांड तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हिज कंपनी हैज द ब्रांड ऑफ प्रोड्यूसिंग, तो ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत होगा। आपका जो एकदम सही आंसर होगा साथियों वो आपका रिपुटेशन, ऑप्शन नंबर सी, ये सही है, क्योंकि कंपनी के पास एक रिपुटेशन है, ठीक है ना, वो अपने पास एक रिपुटेशन रखे हुई है। उस कंपनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे देश में सबसे अच्छा क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करती है, तो उसके पास एक रिपुटेशन आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड दिया गया एक्सपेंशन, और आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सपेंशन वर्ड का एंटोनिम्स क्या होगा। सबसे पहले बताइए एक्सपेंशन मतलब होता क्या है, तो एक्सपेंशन मतलब होता है साथियों फैलाव, ठीक है, फैलाना, फैलाव, ये होता है एक्सपेंशन मतलब। अब देखिए आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी है ऑगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंशन, और ऑप्शन नंबर डी है कंप्रेशन। अब देखिए आपको यहां वर्ड से ही पता चल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्रेशन। देखिए ये एक्सपेंशन और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंप्रेशन। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव और कंप्रेशन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ड फिर से दिया गया और आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है, इसका एंटोनिम्स बताना है। ये वर्ड दिया गया स्कार्स, ये वर्ड क्या साथियों, ये वर्ड दिया गया स्कार्स। अब देखिए स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ, ना के बराबर। एक वर्ड आपने सुना होगा स्कार्सली, वही वर्ड से बना है स्कार्स, क्लियर। अब देखिए इसका मतलब होता है ना के बराबर, दुर्लभ। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए स्कैंटी, तो स्कैंटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्यू, फ्यू मतलब ये होता है थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी सेल्डम, इसका मतलब ये होता है ना के बराबर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी मतलब होता है प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो आपको आपसे पूछा इसका एंटोनिम्स, ये था बहुत ना के बराबर, बहुत थोड़ी मात्रा में, और ये प्रचुर मात्रा में, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर साथियों, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है, कौन से वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड है, ये देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर एक कैलेंडर, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका यही पता चल गया कि ये जो कैलेंडर लिखा हुआ है ये गलत है, इसका जो सही मीनिंग होगा साथियों इसका जो सही मीनिंग होगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कैलेंडर यहां गलत है, ठीक है। इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा CALENDER, यहां देखिए ई के जगह पर ए लिखा हुआ था, बस यहां गलत था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल आया है, आपको यहां पर जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको फिल करना है। और रिपीट करते हैं कि अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल खाली स्थान टूक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल, ठीक है, ये आपका दिया गया। अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए, क्लोदिंग है, कॉस्ट्यूम्स है, अप्रेल्स है, ड्रेसिंग है, देखिए चार ऑप्शन दिए गए। यहां पर देखिए बात हो रही है आपके बैंड की, ठीक है, बैंड की, जो आपका जो भी आप शादी विवाह में देखते होंगे जो भी बैंड होते हैं वो जो पहनते हैं, उनके पहनावे को हम लोग डायरेक्टली कॉस्ट्यूम कहते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते थे, ठीक है। जब भी इस तरीके का सवाल है, ऐसे कोई बैंड के बारे में बात हो, उसके पहनावे के बारे में बात हो, तो कॉस्ट्यूम ही सही होता है, क्लियर। साथ ही साथ आपके जो फिल्मी सेक्टर है वहां भी कॉस्ट्यूम ही यूज होता है, ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आपको बताना है, एक लंबा चौड़ा दिया गया है, आपको ये सेम चीज को बताना है कि एक वर्ड में किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका लिखा हुआ है कि अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, देखिए इसका मतलब होता है बौना, ठीक है ना, छोटा। एक ऐसा व्यक्ति, जानवर या पौधा, कोई भी पेड़ जो अपने जो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे भी छोटा है, ठीक है, तो इसको बौना कह सकते हैं। अब देखिए बारी बारी से देखिए, आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है विजार्ड, दूसरा है ड्वार्फ, ठीक है, तीसरा है क्रिएचर और चौथा है विच। अब चारों को बारी बारी से देखिए कौन सा इसका सही है, ठीक है। तो आपका देखिए सबसे पहला है विजार्ड, ठीक है, तो विजार्ड मतलब होता है जादूगर साथियों, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है क्रिएचर, ठीक है, तो इसका मतलब भी नहीं होता बौना।
ऑप्शन नंबर डी है विच, इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है चुड़ैल, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही है, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, यानी छोटा, जरूरत से, जरूरत के मुताबिक, ठीक है ना, और छोटा, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। तो ये ड्वार्फ आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपको बताना है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नीचे थोड़ा देखिए, ये एक लाइन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, और जो अंडरलाइन, देखिए ये जो अंडरलाइन आपका एरिया है, ये अंडरलाइन में आपको बताना है कि इसमें क्या इंप्रूव हो सकता है या फिर नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले पढ़ते हैं कि द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेज, ऑप्शन नंबर बी है डिमांडेड हायर वेजेज, ऑप्शन नंबर सी नो इंप्रूवमेंट, और ऑप्शन नंबर डी हैज डिमांडेड हायर वेजेज। देखिए चार ऑप्शन थे, क्लियर। अब समझिएगा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफी लंबे समय से ये मांग हो रही है, ठीक है, ज्यादा अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग वर्कर्स द्वारा बहुत ही लंबे समय से हो रही है। कहने का मतलब कि वो जो मांग है वो अभी भी जारी है, ठीक है, अभी भी जारी, अभी भी हो रही है और बहुत लंबे समय से। तो ये डिमांड लिखा हुआ है ये तो गलत होगा आपका, ठीक है, समझिएगा। डिमांडेड इसका मतलब हुआ कि कभी डिमांड हुई थी, अब नहीं होगी, अब नहीं हो रही है, तो ये तो जारी है अभी, तो ये भी गलत है आपका। नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, गलत हो गया था पहले ही। आपका हैज डिमांडेड ये भी गलत है। तो आपका जो सही, आपका जो सुटेबल जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये होगा हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेज, क्योंकि डिमांड हो रही थी और अभी भी जारी है, ठीक है, डिमांड जो है वो अभी भी जारी है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से सेम सवाल है, आपको जो अंडरलाइन है हैज फाइंड यू, आपको बताना है कि इसमें क्या इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं या फिर नो इंप्रूवमेंट। तो लिखा हुआ कि इफ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसका मतलब समझिए कि अगर आप यहां कार पार्क करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस जो है आपको फाइन करेगी, तो ये फाइन करेगी, ये आपका फ्यूचर बता रहा है, तो अगर फ्यूचर बता रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, विल फाइन यू आपका जो सुटेबल आंसर होगा, विल फाइन यू, क्लियर। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहां से आपका आ गया जंबल वाला सवाल, ठीक है, पारा जंबल वाला सवाल यहां से आ गया। अब देखिए जब भी जंबल वाला सवाल आएगा साथियों, तो इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इसे पेयर बनाएंगे, ठीक है ना, आपके देखिए चार दिए गए ए बी सी डी, चार सेंटेंस दिए गए। अब देखिए सबसे पहले इसको रीड करिएगा, पेयर बनाएगा किससे किससे आप रिलेट इसे कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप पेयर बनाएगा। अब देखिए यहां एक कैफे के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, द कैफेज ऑनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन। अब देखिए सबसे पहले ये समझ जाएगा, इतना ही पढ़ने के बाद ये समझ में आ गई होगी कि यहाँ कैफे का ऑनर कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले कैफे का ऑनर कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले कैफे के बारे में तो जान ले हम लोग, तो ये तो पहला वर्ड नहीं हो सकता आपका, जो शुरुआत वाला जो वर्ड, शुरुआत वाला जो सेंटेंस है वो तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए नन ऑफ दे मार, तो ये भी देखिए किसी के बारे में बता रहा है कि इसमें से कोई नहीं होगा, तो ये भी शुरुआत का वर्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है। तीसरा देखिए हेयर यू सिप, तो कहां, ठीक है, ये हेयर जो बता रहा है कहां, किसके बारे में, तो ये भी आपका शुरुआत का हो नहीं सकता। तो आपका बचा एकमात्र डी, मतलब जो भी हम लोग शुरुआत करेंगे वो डी से ही शुरुआत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए डी वाला देखिए कौन कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां से रिमूव हो गया और ऑप्शन नंबर डी यहां से रिमूव हो गया, आपका दो बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से हम जंबल वाले सवाल को करते हैं, क्लियर। अब देखिए डी के बाद बी होगा या फिर सी होगा, इसी से देख लीजिए, या तो बी होगा या तो सी होगा, चेक करते हैं। अब देखिए डी को पढ़िए, डी में लिखा हुआ है कि दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपेंड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ये सही है, शुरुआत में ये होगा। अब इसके बाद चेक करना है कि बी सही होगा या फिर सी सही होगा, क्लियर, यही तो चेक करना है। अब देखिए डी के बाद सबसे पहले बी को पढ़ते हैं, नन ऑफ देम आर वेनोमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विथ द रेप्टाइल्स। अब देखिए डी के बाद बी हमें सही लग रहा है या फिर सी, अब देखिए डी के बाद बी कोई रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, डी के बाद बी रिलेट नहीं हो पा रहा है। सी पढ़ते हैं एक बार, सी देखिए लिखा हुआ है कि हेयर यू सिप, अब देखिए यहां से क्लियर पता चल रहा है हेयर मतलब कहां, तो दिस कैफे में, इस कैफे में जो ओपन हुआ है टोक्यो में, क्लियर। तो यहां पर अब देखिए इससे ये रिलेट हो पा रहा है, ठीक है, ये रिलेट हो पा रहा है, तो ये तो पता चल गया कि डी के बाद जो भी होगा वो सी ही होगा। तो आपका देखिए डी के बाद सी, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों ये आपका बिल्कुल सुटेबल है और यही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोग जंबल वाले सवाल को करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला एक और जंबल वाला सवाल है, ये सवाल है साथियों कि एन सबसे पहले बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला सेंटेंस है कि एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म अ नेक्रोप्सी
ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रॉसरी बैग्स एंड राइस सैक्स। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि ए 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्टैंडर्ड अ डे अर्लियर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका गोल यही होना चाहिए कि शुरुआत का सेंटेंस क्या है। तो ये तो शुरुआत का सेंटेंस नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में शुरुआत से ही ये आपका प्रयोग होगा, ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, ये भी नहीं होगा, सी डी तो यहाँ रिमूव हो गया। ठीक है, सी डी तो आपका रिमूव हो गया, तो बचा ए या फिर बी, या तो ए से हम लोग शुरुआत करेंगे या तो बी से शुरुआत करेंगे। क्लियर, अब देखिए जब आप ए को फिर से पढ़ेंगे, देखिए ए को फिर से पढ़िए, तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये किसी के बारे में कह रहा है, तो किसके बारे में कह रहा है, तो ये आपका शुरुआत वाला सेंटेंस नहीं हो सकता। आपका जो शुरुआत वाला सेंटेंस होगा एकमात्र ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सेंटेंस नंबर बी, ये आपका पहला सेंटेंस होगा। देखिए इसमें शुरुआत कर रहा है कि ए 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। देखिए यहां से कहानी की शुरुआत हो रही है, एक कोई भी मोमेंट की शुरुआत हो रही है, यहां बताया जा रहा है कि एक व्हेल यहां पर डाइड हो गया। ठीक है, 4.7 मीटर व्हेल का यहां डाइड हो गया सैटरडे को, तो यहां से कहानी की शुरुआत हो रही है, अब इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। क्लियर, तो आपका ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहां जो शुरुआत का जो होगा सेंटेंस आती है वो ऑप्शन नंबर, वो आपका बी से ही होगा। अब देखिए बी से देखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बचा और ऑप्शन नंबर डी बचा, ए और बी यहां से क्या होगा रिमूव हो गया। क्लियर, अब देखिए बी के बाद ए होगा या फिर सॉरी बी के बाद ए, बी के बाद ए, अब यहां से आपको यह पता चलेगा कि बी के बाद कंफर्म ए होगा। ठीक है, तो इसके बाद दिमाग लगाना नहीं है, बी के बाद ए लिख लीजिए। अब देखिए ए के बाद आपका डी होगा या फिर सी होगा, यहां अब इसमें दिमाग लगाइए। अब ए को पढ़ते हैं, ए के बाद दोनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए में लिखा हुआ है कि एन इन्वायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म अ नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रॉसरी बैग्स एंड राइस सैक्स। ठीक है, तो ये ए है, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सी में है, सी में इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड हर्ट ब्रेकिंग ही सेड वी हैव डन नेक्रोप्सी ऑन 61 डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स इन द लास्ट 10 ईयर्स एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट्स ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन। ठीक है, अब देखिए ये वही प्लास्टिक के बारे में बात हो रही है साथियों। ठीक है, जो उसके पेट के अंदर था, तो ये आपका जो सबसे अंत में चला जाएगा, ये जो आपका सेंटेंस है ये सबसे अंत में चला जाएगा, और उससे पहले होगा ये पढ़िए, आप डी पढ़िए, डी नंबर सेंटेंस कि द एनिमल डाइट फ्रॉम स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द थ्रैट फिलिंग इट्स स्टोमेक। अब देखिए ये तो आपका अंत में बताया, ठीक है, अंत में बता दिया कि इतना डॉल्फिन और व्हेल का इतने टाइम पीरियड में क्या हो गया कि हम लोग खो चुके हैं इसे, इतना लोग का मृत्यु हो चुका है। ठीक है, इतना डॉल्फिन और व्हेल का मृत्यु हो चुका है इस कारण से। ठीक है, तो ये तो अंत में चला जाएगा। अब देखिए ये आपका सेंटेंस नंबर वन में जो बात हो रही थी वही उसी से लगातार रिलेटेड आपका सेंटेंस नंबर डी में बात हो रही है। ठीक है, तो ए के बाद डी जो होगा वो बिल्कुल आपका सही होगा। अब देखिए ए के बाद डी क्या कहां है, तो ए के बाद जो डी है ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग पारा जंबल वाले सवाल को करते हैं साथियों। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं, अगला आइडियम फ्रेजेज, क्वेश्चन नंबर 18 है टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, ये एक आइडियम फ्रेजेज है, आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो ये जो आइडियम लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है किसी चीज को वेस्ट करना, बर्बाद करना, और जब किसी चीज को बर्बाद करने की बारे में बात हो रही है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू यूज रेकलेसली। ठीक है, ये इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फिर से आपको बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आपको बताना है कि किस वाले पार्ट में एरर है साथियों। ठीक है, अब देखिए फिर से यहां से दो तरीका, या तो ऑप्शन देख लें किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, ऑप्शन देख लें क्या सही है क्या गलत, या फिर डायरेक्ट सेंटेंस के थ्रू चले। अब देखिए इसका मतलब समझिएगा, साइक्लोन इडाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दो। अब देखिए ऑल्दो मतलब क्या होता है, हालांकि। ठीक है, ऑल्दो मतलब क्या होता है, हालांकि, तो ये वाक्य कंटिन्यू करता, लेकिन ये जो ऑल्दो आया ये यहां पर मामला खराब कर दिया। अगर ऑल्दो यहां पर रहेगा फिर से वही बात कि वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस का अगर कोई अर्थ ना निकले तो वो सेंटेंस रहेगा ही नहीं फिर। तो ये जो ऑल्दो है ये यहां पर आकर काम खराब कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑल्दो यहां पर नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो ऑल्दो को यहां से रिमूव कर देंगे।
बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब आपको लग रहा हो कि ऑल दो रिमूव करेंगे तो ऑल दो के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ऑल दो के जगह पर आप विन लिख सकते हैं, ठीक है, विन एज लिख सकते हैं, ये सब सही होगा, ठीक है, लेकिन ऑल दो यहां पर ये गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका करेक्ट एक्टिव, ये आपका वॉइस का सवाल है, और जहां तक हमें आइडिया कि वॉइस का सवाल किन्हीं लोगों से छूटता नहीं है, बहुत आसान होता है वॉइस का सवाल, ये आपका बोनस, ऐसा समझिए बोनस पॉइंट होता है। चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। लिखा हुआ है कि एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द गार्ड्स। अब देखिए मैं कुछ देखिए वॉइस का एक मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ देखिए कुछ ट्रिक होता है, उसमें आपका रूल लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर वाज बीइंग दिखा, तो जब भी बीइंग दिखे मतलब ये तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, और वाज दिखे तो देखिए ऑप्शन छांटते हैं हम लोग, वाज है तो देखिए हैव से वाज नहीं बनेगा तो हैव को रिमूव करिए, हैव से वाज नहीं बनेगा हैव को रिमूव करिए, ठीक है। वेयर वेयर, तो ये दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अब देखिए वाइज का सबसे शुरुआत का रूल ही है कि जो सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट। यहां देखिए लिखा हुआ एवरी पासिंग व्हीकल, और यहां भी वही रह गया एवरी पासिंग व्हीकल, तो ये तो दोनों सेम ही रह गया, ठीक है, ये दोनों क्या रह गया, दोनों सेम ही रह गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, तो एकमात्र बच गया ऑप्शन नंबर ए, टिक मारिए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान एक ट्रिक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 फिर से बताना कि चार ऑप्शन में से कौन रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है, कौन गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लॉइट, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपका गलत है, ठीक है। अगर इसको सही करना हो तो यहां जो ई लिखा हुआ है साथियों, इसको आप यहां से रिमूव कर दें, ई को यहां से काट दें, ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए, अब ये आपका सही हो गया। और इसका मतलब जो होता है साथियों वो होता है शोषण करना या किसी का इस्तेमाल करना, ठीक है। बाकी सब एक्सप्लिसिट, एक्सपायर, एक्सप्लोड, ये सारे वर्ड सही थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको क्रोनिक वर्ड का सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, क्रोनिक वर्ड का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑर्डिनरी, ऑप्शन नंबर बी है परसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी है कॉमन, और ऑप्शन नंबर डी है टेम्पररी, ठीक है। अब देखिए क्रोनिक मतलब होता क्या है, तो क्रोनिक मतलब होता है कि लगातार कोई चीज बहुत दिनों से जो चलता आ रहा हो उसको कहते हैं हम लोग क्रोनिक, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है साथियों प्रेसिस्टेंट, इसका मतलब भी सेम वही होता है जो आपका क्रोनिक का मतलब होता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये टेम्पररी मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, कॉमन ऑर्डिनरी ये सब नहीं होगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपका आइडियम दिया हुआ है और इसका मतलब आपको बताना है। आइडियम है एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है, ये एक आइडियम है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये जो आइडियम है साथियों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शत्रुता के भाव से भरा हुआ, ठीक है, मतलब किसी से दुश्मनी के भाव में भरा हुआ, एकदम होता है ना गुस्से से जलता हुआ आदमी किसी के प्रति, तो यही इसका मतलब होता है। अब देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से देख लीजिए कि किसके बारे में यह बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है डिसीविंग समबडी, ये नहीं होगा, विदाउट होप ये भी नहीं होगा, ठीक है, फ्रेंडली विच ईच अदर ये भी नहीं होगा, बिटरली होस्टाइल, देखिए ये आपका सही होगा, ठीक है, शत्रुता से भरा हुआ, ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहां पर सही होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये फिर से आपका वन वर्ड, ठीक है, देखते हैं कि ये जो लंबा लिखा हुआ है इसके इसके बदले हम लोग वन वर्ड में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका है कि अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्कूल से, ठीक है, स्कूल से कक्षा से बिना बताए अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साथियों, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉन्ट, क्या कहते हैं उसको, ट्रॉन्ट कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रॉन्ट का मतलब होता है साथियों कि जो बिना बताए अनुपस्थित होता है वही होता है ट्रॉन्ट, क्लियर। अब बाकी का मतलब भी जाना जाता है, वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इटिनरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी, जो घूमते रहता है, और माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, तो ये तीनों नहीं होगा। आपका जो ट्रॉन्ट है, ट्रॉन्ट का मतलब ही होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए अपने विद्यालय से अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपका सेट नंबर 16 का सबसे आखिरी सवाल, और ये आपका वॉइस का सवाल, आपको बताना इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। लिखा हुआ है कि डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपका आपके जो बुक में दिया गया साथियों, ये आपका गलत सवाल है, ये बोनस सवाल है। क्यों गलत है समझिएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है। क्योंकि यहां पर शुड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और नीड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका रूल ही होता है, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग और नीड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। और दोनों आपके ऑप्शन में गिवन थे, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, तो आप अपने किताब में से सुधार लीजिएगा, ठीक है।
तो ये आपका पूरा कंप्लीटली सेट आपका कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है, आपका एमबी पब्लिकेशन का सेट नंबर 16 आज हमने किया साथियों, ठीक है, आज हमने सेट नंबर 16 किया। और ये आपके एसएससी सीजीएल 2018 के सवाल थे, ठीक है, ये 2018 के सवाल जो पूछे गए थे उन सारे सवालों को हम लोग अच्छे तरीके से आज हमने क्लियर किया। चलिए कल फिर आएंगे और हम लोग कल सेट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।